पांच पांच पवित्र नदियों कन्हान, वैनगंगा, आम, मुरझा और कोलार के इस संगम पर स्थित महाराष्ट्र का अंभोरा गांव चैतन्येश्वर मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी संगम पर मराठी के आदि कवि मुकुंद राज ने प्रथम मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु शके की रचना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ का धार्मिक नजारा देखते ही बनता है, लेकिन विकास से यह पूरा क्षेत्र लंबे समय तक अछूता रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आसपास के इलाकों में विकास को नई गति दी है। भंडारा जिले में वर्ल्ड क्लास के साकोली लाखनी जैसे फ्लाईओवर और भंडारा राजनान गांव एनएच पर मिटिगेशन स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी कड़ी में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी नए साल में अंभोरा को विश्व स्तरीय केबल स्टे ब्रिज की सौगात दे रहे हैं। ₹700 मीटर लंबा ये केबल ब्रिज तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में कला का उत्कृष्ट नमूना है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सेंट्रल रोड फंड से स्वीकृत किए गए 176 करोड़ की लागत से बना है। 140 मीटर के 4 स्पैन और दोनों ओर 70 मीटर के 2 स्पैन हैं। विश्व स्तरीय तकनीक से बने 2 लेन चौड़े इस पुल के दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए भी 3 मीटर चौड़ी पगडंडी भी बनाई गई है। पहले चैतन्येश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए भंडारा के लोगों को नावों से आना पड़ता था, लेकिन इस केबल ब्रिज पर बने वॉकवे से न केवल भगवान का दर्शन करना सुगम हो गया है, बल्कि आप वैनगंगा नदी की प्राकृतिक सुषमा भी देख सकते हैं। उसी तरह अपने पूर्वजों के तर्पण और अस्थि विसर्जन के लिए भी नदी के रास्ते आकर लोगों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती है। इस केबल ब्रिज को आधार देने के लिए 30 मीटर की ऊंचाई पर 2 पाइलेन लगे हैं। उसी के बगल में 2 टावर हैं, जिसमें कैप्सूल लिफ्ट और सीढ़ियों का प्रावधान है। इस केबल ब्रिज में यूनिक फीचर जुड़ा है 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 3000 वर्ग फीट की स्काई गैलरी, जो दोनों टावरों को जोड़कर बनी है। इस स्काई गैलरी में एक बार में 150 लोग बैठ सकते हैं, जहां से वो अंबोरा गांव और पंच नदियों की प्राकृतिक सुंदरता के साथ केबल ब्रिज की खूबसूरती को देख सकते हैं। सजावट के लिए की गई शानदार लाइटिंग पुल के साथ ही स्ट्रीट लाइट भी पुल की शोभा में 4 चांद लगा देती है। इस पुल के बन जाने से नागपुर भंडारा समेत विदर्भ के कई जिलों में कृषि से लेकर पर्यटन उद्योग तक को जबरदस्त उछाल मिलेगा। इस पुल के निर्माण के वक्त माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने स्वयं इसका निरीक्षण करके इसे और बेहतर बनाने के सुझाव दिए। अंभोरा के विकास को और गति देने के लिए यहां से 21 किलोमीटर दूर गोसीखुर्द प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है, जिससे यहां के बैक वाटर में वाटर स्पोर्ट के लिए नए स्कोप खुल पाएंगे। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी की पहल पर अंभोरा के पर्यटन और विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। चहुमुखी विकास के लिए नया भंडारा बाईपास बनाने के साथ ही वैनगंगा पर पुल बनाने का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। श्री गडकरी जी के ईमानदार प्रयासों का परिणाम है कि अंभोरा गांव अब एक तीर्थ और पर्यटन क्षेत्र के रूप में पूरे देश में अपनी नई पहचान और प्रसिद्धि बनाने जा रहा है।